सो वेलकम YouTube फैमिली, आप लोग देख रहे हैं स्मित पटेल के और एक नई वीडियो। You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. Above the skies, overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down. You get through the storm. Even the night's the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. अभी जो है हमारी कॉलेज में जो GT वाली एग्जाम चल रही थी वो सब कुछ खत्म हो गया, और कॉलेज के तरफ से जो हमें ये प्रोजेक्ट बनाने को दिया था वो भी हमने एक प्रोजेक्ट रेडी किया है, बट एक प्रोजेक्ट जो है अभी बाकी है। दूसरा कौन सा है मोहम्मद? बलिष्ठा है। ओके, तो वो अभी बनाने के लिए जा रहा है, तो ये इसका प्रोसेस मैंने आपको नहीं दिखाया, बट वर्किंग हम इसका भी दिखाएंगे और काफी सारा काम जो है इसमें भी अभी करना है। ओके, पेंडिंग है अभी भी। तो चलिए, तो फिर निकलते हैं डायरेक्ट जहाँ हमें वर्कशॉप में, जहाँ पे हमें ये सब बनाना है। ओके, तो चलो डायरेक्ट यहाँ वहाँ पे ही मिलते हैं। यहाँ पे गाइस, अब जो हम ये नट एंड बोल्ट लेने के लिए आ चुके हैं, और ये रही शॉप सामने। यहाँ पे जो हमें नट एंड बोल्ट जो है वो एक्स्ट्रा ले लिया, और अभी जहाँ पे फिटिंग करना है वो फिटिंग भी कंप्लीट करते हैं। ओके, यहाँ पे जो है ये पाइप की जो है लेंथ कम पड़ी है, इसके कारण जो है इधर से राइट ब्रो, इसलिए मेडिकल में जाना पड़ेगा। ये पाइप जो है और थोड़ी लंबी लेनी पड़ेगी। चल थोड़ा तो जल्दी ले भाई। अभी तो इसके जो है पार्ट्स लेने के लिए स्टार्ट किया, और मोहम्मद को जो है भूख लगी। ब्रो क्या खाना है? दूसरे के घर पे पहुंच के जो है अभी कंटिन्यू करेंगे इस प्रोजेक्ट का, और दूसरा जो प्रोजेक्ट बनाना है उसका। ये गाइस ये देखो क्या कर रहा है ये भाई, हिमालयन नहीं है ये, कोई एडवेंचर कुछ नहीं है साला, ये इज्जत का धुआं कर रहा है। और अभी हम जा रहे हैं तुषार, इसीलिए लोग राइडर का मजाक उड़ाते, राइडर लोगों का मजा आया। चेक करो, लाइक करो, फॉलो करो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अभी झाड़ियों में घुसे का इधर आ, छपरी जैसा क्यों करते हो ये छपरी जैसा? यू ऐसा होना तो हमारे साथ नहीं आने का तुम्हें। हाँ, पर उसमें इज्जत का धुआं होता है। अरे ये रही पब्लिक। अभी जो है दूसरे प्रोजेक्ट की मेजरमेंट चल रही है, और इसका थोड़ा बहुत जो बाकी है वो पेंडिंग जो है वो कंप्लीट करेंगे। और ये रहे हमारे फ्रेंड जो ये हमें जो है थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने। मोहम्मद अभी हम क्या क्या लेके आए? सबसे पहले अपने गए हार्डवेयर की दुकान से, गए और स्क्रू लिए। ओके, उसके बाद अपन गए मेडिकल में, अपने लिए पाइप, उसके बाद अपने स्ट्रो ली। ओके, इसलिए अभी हम तीन चीज लेके आए, और बाकी सब हमारे पास अवेलेबल था। तुषार कहाँ तक पहुँचा काम? तो हमने जो ऊपर का और साइड का जो बेस था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। यार ये मशीन होने के कारण काफी बढ़िया फिनिशिंग आया, फिनिशिंग भी बढ़िया, टाइम भी बहुत कंज्यूम नहीं करता है। यहाँ पे मतलब हमारा रोप आएगा, यहाँ पे रोप आएगा, यहाँ पे दोनों साइड, और बीच में से हम खींचेंगे और स्ट्रेच करके फिर जाएगा। नीचे स्टैंड रखना है या फिर स्टैंड रखेंगे? क्योंकि हमें एबिंग भी कवर करना है, ऊपर नीचे और नीचे भी होना चाहिए और साइड में भी होना चाहिए। वीडियो देख के ही कर रहे कि क्या कौन सा स्टेप अभी उठाना है। ओके, पहले हमने जो है ये सभी ड्रिलिंग कर दिया, फिटिंग हो चुका है कंप्लीट बेस नीचे का, और अब आगे का स्टेप देखते हैं। इसकी लेंथ कितनी है? 30 इंच। ओके, और इसकी? इसकी 5 इंच, और ये 30 पूरा, के बीच में ये 3 इंच है, ये जो गैप है ना, ये बॉर्डर हमने लिखी है, यहाँ पे 3 इंच है।
और ये जो पूरा 35 इंच का, बट नहीं ये 40 है ना टोटल, ये टोटल 40 है, इसमें से ये कट होता है इतना, 5 इंच कट होगा और ये यहाँ पे लगेगा, ये यहाँ पे लगेगा 35 इंच का मार्क किया अभी कटिंग। एक बार चेक कर ले स्मूथ हो गया ना एकदम चिकना। क्या वर्ड यूज किया है साले ने, इंटेंशन थोड़े अलग लग रहे। शर्मा ये हम क्या कर रहे हैं, ये इसके नीचे की डाई बन रही है, नीचे की डाई वो पूरा मतलब उसके बेस देने के लिए। हाँ, ये इसका प्रोग्राम ही है। ओके, ये रेडी हो जाए फिर देखते हैं। और ये कौन सा मशीन है, लेजर मशीन। अभी मेजरमेंट पहले रेडी करेगा और फिर उसका प्रोडक्ट निकल जाएगा। ओके, अभी जो हमने लेजर से कटिंग किया वो ये मटेरियल है। ओके, अभी हम क्या लेने आए तुषार, जो रोमन बलिस्टा में टेंशन के लिए जो रोप लगाना है, थ्रेड थ्रेड नहीं रोप, हाँ रोप जो बोले वो, एकदम पतली सी चाहिए ना हमें, पतली सी चाहिए और स्ट्रॉन्ग भी चाहिए। देखते हैं मिलती है या नहीं, दिखा रहा है सैंपल तुषार। हमें जो थ्रेड चाहिए थी वो मिल चुकी है, ये वाली चलेगी ना, परफेक्ट है ना, परफेक्ट है। और वाइट कलर ही चाहिए था। और दूसरा क्या लेना है, बोल्ट, नट बोल्ट लेना है। चल। सर अबे हमने क्या क्या लिया, ओके अभी हमने नट बोल्ट लिया और डोरी ली है, थ्रेड ली है और ये हमें घर से ये ट्राइपॉड लेके आया है। ओके, ट्राइपॉड लेके आया और गन्ने का जूस भी इंजॉय करके आए, और वो मोहम्मद वहाँ पे खड़ा है उसके लिए नहीं लाया इसलिए इधर आके बात कर रहे हैं। चलो अभी चलते हैं। अभी जो है सावन भाई ने ये कंप्लीट कर दिया है, जो हमारा नीचे का जो स्टैंड है वो। ये जो मटेरियल ये साइज में हमने सिलेक्ट किया है, उसको अभी हम ये कौन सा मटेरियल है सावन, ये MDF मटेरियल है, इसमें ये लेजर कटिंग के थ्रू ये कट होगा। अभी हम जो है बाइक लेके ये थ्रेड लेने के लिए गए थे, वो रिटर्न कर दिए और ये थ्रेड ले ली, थोड़ी हमें ठीक चाहिए थी जाड़ी। ओके, वो और ये हुक लेके आ चुका है। ये हुक क्यों लेके आए, ये हुक वो हमें जो थ्रेड है हाँ खींचेंगे वो लॉक करने के लिए जो लिया है। चलो अब देख लेते कि कहाँ तक जो है हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हुआ है। ओके, क्या टाइमिंग क्या हुआ तुषार, 6:39 कितने बजे आए थे हम सुबह 11 बजे आए थे। और कहाँ तक का कंप्लीट हुआ, इधर पूरा लॉक मैकेनिज्म कंप्लीट कर दिया है, वो जो है एमिंग के लिए एंगल लेना है वो सब कुछ इधर हमें स्टेप बाय स्टेप इधर कंप्लीट कर दिया है। ओके, ये और यहाँ पे कर दिया है, क्रिएट कर रहे हैं अभी मशीन में। आज हमने सोच लिया कि आज जो है ये प्रोजेक्ट हम कंप्लीट करके ही रहेंगे, और कंप्लीट करते करते अभी रात हो चुकी है और अभी भी कंटिन्यू है थोड़ा बहुत। और सावन वहाँ पे जो है सर्कल में कटिंग कर रहा है। सावन कंप्लीट हो गया सर्कल वाला, चल ही रहा है। ओके, हमारे सर्कल रेडी हो चुके हैं, हो चुके हैं ब्रो रेडी, परफेक्ट। अभी काफी हद तक जो काम हो जो है कंप्लीट हो चुका है, ये जो ट्रिगर मैकेनिज्म है
वो भी कम्प्लीट हो चुका है इधर से भी, और तो फिनिशिंग के साथ जब हमने मशीन में काम करवाया तभी हमको फिनिशिंग मिली। अब जब ऐसा करते हैं, अब डायरेक्ट रेडी होता है ना, तब उनको जो है सीधा आउटपुट दिखाते हैं कि कैसा जो है हमें इसका आउटपुट मिल रहा है, क्या वर्किंग कैसा है वो देखेंगे। ओके, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि काफी मेहनत लगी है। हाँ, सावर भाई का भी काफी बढ़िया जो है हमें हेल्प मिला है इसमें, वो ना होते तो ये ना होता। और ये अभी कम्प्लीट करते हैं, और जब कम्प्लीट हो जाएगा फिर मैं जो है आपको इसका आउटपुट दिखाऊंगा। ओके, चलो बाय बाय। हाइड्रोलिक जेसीबी और बलिस्टा हमारे दोनों ही प्रोजेक्ट जो है कम्प्लीटली रेडी हो चुके हैं, और अब जो है मैं इस वीडियो में आपको जो है वर्किंग दिखाऊंगा। अब जो है पहला डेमो स्टार्ट करते हैं हम। किस तरह जो है हमने इसका डिटेल डिटेल में जो है पूरा डिजाइन किया है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बता रहा। मैंने तो देखा इसका वर्किंग कैसा, मिलिंद ने और अर्जुन ने जो फर्स्ट टाइम देखेंगे। ओके, तो चलो इसका वर्किंग भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। और जो हम बलिस्टा की वर्किंग देख लेते हैं कि कैसे जो है हमारा बलिस्टा वर्क करता है, और मिलिंद और जो अर्जुन है उनको जो लाइव डेमो भी दिखा देता हूँ, और आपको भी साथ साथ में जो है इसका परफॉर्म दिखा देता हूँ। दिखा था जो है हमारा एरो की रेंज है। ओके, तो वो देख लेते हैं पहले इसका जो है। ये प्रोजेक्ट जो है इसका लीडर है तुषार पाटिल, और जो जेसीबी वाला था उसका जो है लीडर है मैं हूँ, इसलिए मुझे इसका ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, बट डेमो के लिए जो है अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो चलिए तो फिर इसका डायरेक्टली डेमो देखते हैं। थ्री टू वन एंड स्टार्ट। भाई साहब कहाँ तक गया, देख काफी दूर तक आया। तो अब जो है हमारा ये पैकिंग हो चुका है पूरा, मैंने एक बॉक्स में पैक कर दिया। ये हमारा जेसीबी वाला प्रोजेक्ट है। तुषार टेंशन मत लेना यार, सेफली पैक किया है, बराबर पैक किया है ना मिलिंद। ओके, तो इसे अब ले लेते हैं और कार में रख देते हैं।